2024 की शुरुआत होती है किया सोनेट फेसलिफ्ट ड्राइव के साथ। इस समय हम लोग हैं भोपाल, मध्य प्रदेश में। इस गाड़ी ने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। इनफैक्ट किया के लिए ये सेल्टॉस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रहा है इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से। नई अपील, एडास, फ्यूल इकॉनमी, क्या कुछ बदलाव हैं, इस गाड़ी को लेने का कितना किफ़ायती फैसला होगा आपका, सारी डिटेल्स इस वीडियो के एंड तक आपको मिलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है तेजेन और आप देख रहे हैं 91 व्हील्स। शुरुआत करते हैं बाहर के चेंजेस से। एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट है, तो इसका मतलब क्या है, जनरेशनल चेंज नहीं हुआ है, बट काफ़ी सटल चेंजेस किए गए हैं। अब इस गाड़ी को ना मस्कुलर बनाने की कोशिश की है किया ने। फ्रंट पे आपको एंगुलर DRLs मिलते हैं, काफ़ी ब्राइट और एक अच्छी अपील ऑन रोड प्रेजेंस देते हैं। अगर आप टॉप स्पेक लेने वाले हैं, ये गाड़ी जो हम चला रहे हैं, दिस इज़ द GT लाइन वेरियंट इक्विप्ड विद DCT 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन। इंजन सेम है, इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फ्रंट फेशिया चेंज हो चुका है। अगर आप दूसरे वेरिएंट्स लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप HTK प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो फ्रंट पे आपको हल्के से चेंजेस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये ट्राई LED हेडलाइट नहीं मिलेगी, फॉग लाइट जो है वो थोड़ी सी अलग तरीके की मिलेगी, तो सटल चेंजेस जो हैं वो होंगे। साइड प्रोफाइल सेम है, लेकिन अब नए 16 इंच के ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे ऑन द टॉप स्पेक वेरियंट। 4 डिफरेंट स्टाइल्स हैं अलॉय व्हील्स के एंड हब कैप के, वो डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट चूज करने वाले हैं। लेकिन सबसे मेजर बदलाव जो है डिज़ाइन का, वो हुआ है रियर पार्ट पे। रियर पे अब आ गया है ये कनेक्टेड लाइट बार। इसकी वजह से प्रॉपर जो अपील है गाड़ी की, वो अब सेल्टॉस की एक छोटी बहन जैसी आपको ये फील होगी जब सड़क पे आप इसे देखेंगे। ऑल्सो जो ये एंगुलर LED टेल लाइट्स लगाई हैं, इससे गाड़ी जो है अब प्रॉपर रिफ्रेश्ड फील होती है पीछे की साइड से। बाकी डायमेंशन वाइज, विड्थ वाइज गाड़ी सेम है। इंटीरियर्स कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अब एडिशन हुआ है नए फीचर्स का। आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट मिलता है और एक डिजिटल नया क्लस्टर आ गया है, दैट इज़ ऑल्सो 10.25 इंच इन टर्म्स ऑफ साइज। ये सेम लेआउट आपने सेल्टॉस जो नया फेसलिफ्ट आया था उस पर देखा होगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है अब इस गाड़ी पे। बाकी का कैबिन जो है वो नियर टू सेम है, कोई मेजर बदलाव नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे वेरिएंट्स लेने वाले हैं, फॉर एग्जांपल GT लाइन आप लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ये ब्लैक और हल्का सा सॉर्ट ऑफ क्रीमिश वाइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा फॉर लेदर अपहोल्स्ट्री। HTX प्लस वेरिएंट्स अगर आप लेते हैं, वहाँ पर आपको टैन ब्राउन मिलेगा बेस वेरिएंट्स में, एक ब्लैक इंटीरियर। लेकिन अगर आप X-Line लेने वाले हैं, तो उसके इंटीरियर में आपको थोड़ा सा स्पोर्टी टच मिलेगा, ब्लैक इंटीरियर्स मिलेंगे और रेड एक्सेंट्स मिलेंगे, ताकि थोड़ा सा टच ऑफ स्पोर्टीनेस जो है वो आपको फील करवा पाए वो गाड़ी। फीचर वाइज किया ने अब एक नया गेम जो बोलते हैं सेगमेंट में एंटर कर दिया है, ये है किया कनेक्ट ऐप। और यहाँ से आप अपनी सोनेट को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को देख सकते हैं, आप कितना इकोनॉमिकली चलाते हैं, कितना सेफली चलाते हैं इस गाड़ी को। अब बात करें सेफ्टी की, सबसे मेजर इंप्रूवमेंट अब इस गाड़ी में सेफ्टी का हुआ है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं, 15 सेफ्टी फीचर्स ऐसे हैं जो आपको अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स मिलेंगे। टॉप स्पेक अगर आप ले रहे हैं, आपको 360 डिग्री पार्किंग असिस्ट मिलता है, और इसी के साथ इसमें ADAS लेवल 1 फीचर्स भी आ गए हैं सेफ्टी के, लेन मॉनिटरिंग, लेन कीप असिस्ट और साथ ही साथ लेन चेंज कैमरा भी आ गया है 360 डिग्री पार्किंग के साथ। ये कैमरा जो हैं आपको वाया द ऐप एक सराउंड व्यू भी प्रोवाइड करते हैं, जस्ट इन केस आप गाड़ी कहीं पार्क करके आए हैं, अपने फ़ोन से आप मॉनिटर कर सकते हैं, फ़ोन से ही गाड़ी के बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल एक नया चैलेंजिंग गेम किया ने इस सेगमेंट में इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ओपन अप कर दिया है विद द सोनेट फेसलिफ्ट। नई किया सोनेट का ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो अब और भी रिफाइंड हो गया है अगर हम पुरानी सोनेट से इसे कंपेयर करें। एक सिटी कॉम्पैक्ट SUV है ये गाड़ी, और उसी हिसाब से ड्राइवेबिलिटी को ट्यून किया गया है। तो स्टीयरिंग का फीडबैक जो है वो कम स्पीड्स पे लाइट रहता है, पर जैसे जैसे आप स्पीड गेन करते हैं, हाईवे स्पीड्स पर आते हैं, 80-100 KMPH अगर आप क्रूज कर रहे हैं, तो डिसेंट आपको स्टीयरिंग से फीडबैक मिलता है। बहुत सारे नए सेफ्टी में एडिशंस हुए हैं, और उनमें एक एडिशन है अब ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। अगर आप टॉप वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको 4 डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। दिस हैज़ आल्सो इम्प्रूव्ड द ब्रेकिंग। एकदम इनिशियल बाइट शायद आपको इतना फील ना हो, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेकिंग
आपको चारों डिस्क ब्रेक की पावर जो है वो अब इस गाड़ी को और जल्दी स्टॉप कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट NVH विच किया इज नॉन फॉर सुपर NVH लेवल्स, तो गाड़ी के अंदर कोई भी ना रोड की ना ही हवा की आवाज़ जो है थ्रू द डोर बीडिंग्स वो अंदर आती है। ओवरऑल इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार टू सिट, और इसी के साथ साथ सीट्स का भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है एट द रियर रो। अगर आप DCT लेने वाले हैं, 7-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है, इंजन में कोई भी चेंज नहीं है, इट्स एज स्मूथ एज इट कैन गेट। लाइट फुट अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, इट विल अपशिफ्ट नियर अबाउट 1800 RPM विच इज़ वेरी लो, तो हाईवेज पे जो फ्यूल इकॉनमी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। करंटली वी हैव कम्प्लीटेड 56 किलोमीटर्स एंड डिस्प्लेड फ्यूल इकॉनमी इज 21.7 KMPL। दिस विल ट्रांसलेट इन टू अ गुड नंबर, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो सोनेट जो है वो आपको ना सिर्फ एक अच्छा फ्यूल इकोनॉमिकल ऑप्शन देती है इस सेगमेंट में, बट पावर जो है वो इस इंजन की काफ़ी बेहतरीन है। इट्स ए टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, और जैसे ही आप पेडल प्रेस करते हैं पोस्ट 2.5 KRPM यानी 2500 RPM के बाद, दिस सिंपली टेक्स ऑफ वेरी फास्ट। सो ओवरटेकिंग ऑन हाईवेज या सिंगल रोड पे अगर आप चल रहे हैं विद फुल लोड, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर इनसाइड द कार, ओवरटेक करना उसमें आपको प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू ऑल्सो गेट द पेडल शिफ्टर्स जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू हैव सम फन विद द कार। द ओनली नेगेटिव इज दैट आपको इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशियस फील नहीं होता है, द विड्थ ऑफ द कार इज अ बिट नैरो इफ यू कंपेयर इट विद द राइवल्स लाइक मारुति सुजुकी ब्रेजा या फिर टाटा नेक्सॉन। इस गाड़ी में जो स्पेस है वो शायद आपको उतना एयरी फील ना हो। कुछ और बेहतरीन इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं कैबिन के अंदर, जैसे 10.25 इंच का जो नया ये आपको डिस्प्ले मिलता है स्पीडो कॉन्सोल, काफ़ी इजी है, क्रिस्प है रीड करना, ऑन द गो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है कि फ्यूल इकोनॉमी देखने के लिए कहीं आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा या RPM देखने के लिए कहीं कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंपल लेआउट है। और ये तीन मोड्स के साथ चेंज भी होता है, अगर आप इकॉनमी मोड पे चला रहे हैं गाड़ी को तो एक अलग ग्राफिक आपको देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट में एग्रेसिव हो जाता है, तो एक फील गुड फैक्टर जो है वो भी आता है। सेफ्टी की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे मेन टॉपिक जो है नई सोनेट के साथ इंक्रीज सेफ्टी का है, किया भी इसी चीज़ को पुश कर रही है, अब इस गाड़ी के अंदर आपको ADAS लेवल 1 मिलता है, यानी फ्रंट कोलिजन असिस्ट सिस्टम अपने आप ब्रेक लगा देगी गाड़ी अगर कुछ सामने आ जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कैमरा आपको मिलता है, तो काफ़ी सारे लेन कीप असिस्ट इस तरीके के फीचर्स अब इस गाड़ी के अंदर आ गए हैं। टू बी रियली फ्रैंक, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हम शायद डे टू डे लाइफ में ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ ना कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल लेन कीप असिस्ट, जब भी आप एक लेन से दूसरी लेन के अंदर जाते हैं स्टीयरिंग जो है वो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है, तो अगर आप नए हैं ADAS टेक्नोलॉजी के साथ, फर्स्ट टाइम आप गाड़ी को चला रहे हैं, थोड़ा सा आपको यूज टू होने में टाइम लगेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके फ्रेंड्स फैमिली और आपकी सेफ्टी इस चीज़ से डेफिनेटली एनहांस होती है। तो एक ना सिर्फ प्रीमियमनेस बट ऑल्सो सेफ्टी का जो फैक्टर है अब वो सोनेट के साथ डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है। बिल्ड क्वालिटी वेल, हमें अभी तक GN कैप या कोई भी रेटिंग इस गाड़ी की नहीं पता है। और जहाँ तक बात करें सस्पेंशन की, गाड़ी जो है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कंफर्टेबल फील करवाती है, बट अगर आप बहुत एक सरप्राइजिंग किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरेंगे तो आपको फील हुआ कि उतना रगेड सस्पेंशन नहीं है जितना राइवल जैसे कि टाटा नेक्सॉन का है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अच्छी रोड पर आप गाड़ी को चला रहे हैं कम्फर्टेबल रहती है, बम्पी रोड पर गाड़ी को चला रहे हैं कम्फर्टेबल रहती है, एंड इन फैक्ट अगर आप कॉर्नर्स को थोड़ा सा स्पीड से ले रहे हैं तो भी स्टेबिलिटी जो है सोनेट की वो काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, यानी आप इजीली इस गाड़ी को अनजान सड़कों पे रात को चला सकते हैं, ऑल थैंक्स टू द न्यू LED हेडलाइट सेटअप एज वेल, काफ़ी ब्राइट है, ऑल्दो वी हैव नॉट टेस्टेड देम इन वेरी डार्क सिचुएशन, बट अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा स्प्रेड हम जो है इनकी नई LED लाइट्स का देख पाए, These are pretty decent as well. अगर आप GT line variant plan कर रहे हैं ये वाला with the DCT gearbox option, 19.2 KMPL is the ARAI claimed fuel economy for this. हमने आज जानने की कोशिश की कि what is the real tank to tank fuel economy of this car. सुबह fill किया इसके tank को, trip meter को किया reset. All the updates including fuel economy के क्या changes हैं depending on the traffic and how is the performance, the drivability coming up right on your screen. So fuel economy run Sonet का start करते हैं. सबसे पहले ट्रिप मीटर को करते हैं रीसेट, ट्रिप इज रीसेट, सो इज़ द फ्यूल इकॉनमी, सिंस रिफ्यूलिंग रीसेट, सिंस लास्ट रीसेट,
एंड देखते हैं क्या इकोनॉमी आएगी इस गाड़ी की। About 50 किलोमीटर हम अपने इस फ्यूल इकोनॉमी रन के कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी आ रही है 21.4 kmpl, which seems very good. Although अभी विंटर टाइम है तो एसी रनिंग नहीं है, ऑल्सो संडे मॉर्निंग है तो कोई ट्रैफिक हमें सिटी के अंदर नहीं मिला। विद इन द स्पीड लिमिट हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। दिस टाइम हाईवे पे स्पीड लिमिट इज 80 kmph, 80 पे क्रूज सेट है एंड नेक्स्ट अपडेट 100 किलोमीटर कम्प्लीशन पे ऑन योर स्क्रीन। तो एग्जैक्टली 100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम लोग। 21.4 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल इकोनॉमी आ रही है डिस्प्ले पर। अभी टैंक टू टैंक मेथड से इसको रिफिल करेंगे गाड़ी को और देखते हैं सोनेट फेसलिफ्ट कितनी फ्यूल इकोनॉमिकल है अगर आप DCT वेरिएंट लेने वाले हैं इस गाड़ी का। सो टोटल डिस्टेंस हमने ड्राइव किया है एग्जैक्ट 101 किलोमीटर एंड डिस्प्ले पे है 21.3 kmpl। किलोमीटर्स टोटल ड्राइविंग डिस्टेंस हमारा रहा एंड द फ्यूल कंज्यूम्ड बाय दिस निम्बल कॉम्पैक्ट SUV इज ओनली 5.04 लीटर्स विच ट्रांसलेट्स इनटू एन एक्चुअल रियल वर्ल्ड 20.04 kmpl। क्लेम्ड से ज़्यादा है। यस, हमें जो ट्रैफिक डेंसिटी है वो कम मिली, AC का यूज़ नहीं था एंड ऑल्सो जो ड्राइविंग स्पीड थी ऑन द हाईवे वॉज लिमिटेड ओनली टू 80-85 kmph। अगर आप इसे फास्ट भी ड्राइव करना चाहते हैं, लगेज के साथ ड्राइव कर रहे हैं, AC रनिंग है, पहाड़ों में चला रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट अ ड्रॉप ऑफ 10-15% डिपेंडिंग ऑन द टारमैक। सो व्हाट इज आवर टेक ऑन द सोनेट फेसलिफ्ट? देखिए, ये गाड़ी पहले ही एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन थी, काफ़ी सारे फीचर्स मिलते थे, ड्राइवेबिलिटी वॉज वेरी गुड, बट अब नए सेफ्टी फीचर्स के साथ जैसे 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं अक्रॉस ऑल ऑफ द वेरियंट्स, 15 डिफरेंट सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट टॉसपैक अगर आप लेते हैं, 360 डिग्री पार्किंग असिस्ट, फिर आपको किया कनेक्ट ऐप से और ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी मिलती है। आप अपनी गाड़ी को सराउंड व्यू मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ खड़ी है, आसपास इसके क्या हो रहा है। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स ऐसे जो कोई भी और मैन्युफैक्चरर इस सेगमेंट में ऑफर नहीं करता है। सोनेट जो है एक अच्छी SUV है, आपके पैसे के लिए आपको सेफ्टी देती है, ड्राइवेबिलिटी देती है, अच्छा एक्सपीरियंस देती है, लेकिन अगर आपको चाहिए एक रगेड अपील, आपको बड़ा कैबिन चाहिए तो राइवल्स जैसे कि टाटा नेक्सॉन या मारुति सुजुकी ब्रेजा आपको ज़्यादा ऑफर करने वाले हैं। बट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड परफॉर्मेंस द वाइल्ड इज रीबॉर्न।